वेलकम गाइस, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल द्वारकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने अप स्टॉक में SIP के माध्यम से इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपने कितने का भी किया है उससे मेरे को मतलब नहीं, बट आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने SIP के माध्यम से अप स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आप ऑटो सेटअप कैसे इनेबल करोगे, उसमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अपलोड कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यदि ऑटो पे सेटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भी MI है मंथली SIP वो हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कटेगी, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले फॉर्म को कैसे भरना है, प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करने के बाद आपको अपलोड कर कैसे करना है, उसको भरना कैसे है, सब कुछ मैंने बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ईमेल का जो इनबॉक्स है उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये इस तरह का कुछ ईमेल आया होगा आपको अपस्टॉक की ओर से। आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से SIP में इन्वेस्ट किया हो, चाहे वह एंजल ब्रोकिंग हो, जीरोदा हो, या अदर प्लेटफॉर्म से आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा SIP से, तो आपको इस तरह का एक मेल आएगा, ठीक है। मेरे को अब स्टॉक की ओर से आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको ओपन करूँगा, ये इस टाइप का आपके पास आएगा, यूअर म्यूचुअल फंड मैंडेट वाज रजिस्टर्ड, ओके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है क्या बोल रहा है और क्या मेल है। सबसे पहले आपका जो यूअर मैंडेट ID शो होगा, और यहाँ पर आप कितने तक का इन्वेस्ट कर सकते हो SIP में, वो यहाँ पर आपके सामने शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बोल रहा है डाउनलोड द मैंडेट एंड प्रिंट इट आउट, ओके। उसके बाद साइन द मैंडेट एंड इंटर योर नेम इन द फाइल बिलो द सिग्नेचर स्पेस, मेक श्योर दैट द सिग्नेचर एंड नेम योर इंटर मैच यूअर बिग डेटा। यहाँ पर आपको बोल रहा है जो आप प्रिंट करोगे वहाँ पर जो एक फॉर्म डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर, जो बैंक में आपने जो सिग्नेचर किए हैं वही आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, और उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैन और टेक अ पिक्चर्स ऑफ यूअर साइनेड मैंडेट, और यहाँ पर फाइल साइज दिया गया है कि 1 MB में, 1 MB में आप इसे अपलोड करिए, और इसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, विजिट योर पोर्टफोलियो एंड गो टू द SIP टैब, ओके। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरे को अपस्टॉक की जो ऐप है जिसके माध्यम से हमने SIP में इन्वेस्ट किया है वहाँ पर ले जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हम इसे ओपन होने देते हैं, कुछ सेकंड वेट करते हैं, मेरा इंटरनेट भी काफ़ी स्लो है तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, ओके। तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे, आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 500 से इन्वेस्ट किया है SBI में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपके सामने कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है ऑटो डेबिट का ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे शेयर के ऑप्शन के आगे 3 लाइन्स है, इस पर आप क्लिक करिए और इसे आप डेस्कटॉप साइड में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही डेस्कटॉप साइड में लेंगे तो आपके सामने फिर से एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपकी SIP आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाके। तो यहाँ पर मैंने जो भी SIP ले रखी उसका नाम शो होगा, कितने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मंथली आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। और लॉस है और कितना करंट वैल्यू सब कुछ चेक करें कर लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, SIP हमारे SIP का नाम यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो एक सेकंड फ़ोन आ गया था मेरे पास, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा SBI स्मॉल कैप में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, SIP का नाम आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे सेटअप ऑटो डेबिट पे, तो इस पर क्लिक नहीं होगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो आप यहाँ पर आपको बोला गया है द ऑटो डेबिट फॉर दिस SIP नॉट वेरी सेटअप, यहाँ पर हमारा जो ऑटो डेबिट है अभी एक्टिवेट नहीं है, तो इसके लिए हमको ये बोल रहा है कि जो आपकी SIP है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये किस तरह आप राइट साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी SIP का नाम, इन्वेस्ट वैल्यू जो भी है, आप इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, तो सबसे नीचे आ जाना है आपको, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखेंगे कैंसिल एसआईपी मत कर देना, तो आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। सेटअप ऑटो डेबिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वो रेड में जो लिखा है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक सेकंड, ये सेटअप ऑटो डेबिट, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। इसके लिए आपको एसआईपी जो हमने ले रखी है उस पर क्लिक करना है, तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेटअप ऑटो डेबिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर से मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकेंड वेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमको डाउनलोड द प्री फिल्ड फॉर्म, ओके, और यहाँ से आपको टैप टू अपलोड 1 MB में दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म हमको डाउनलोड करना है, और यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, आपकी जो बैंक में साइन है वही साइन आपको यहाँ पर करना है, और यहाँ पर इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा, और यहाँ पर 1 MB में हमको इसे अपलोड करके यहाँ पर क्या करना, सबमिट करना है, यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके। अब हमने जो फॉर्म डाउनलोड किया था ऑटो डेबिट का, वो हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले, जैसा मैंने पहले बताया था, हमारा जो भी एसआईपी है जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और फिर से साइड में आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से नीचे आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेटअप ऑटो डेबिट, ओके, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल व्यू भी देख सकते हैं, किस तरह आप यहाँ पर जो ऑटो डेबिट का फॉर्म हमको दिया गया है वो कैसे यहाँ पर आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 1 MB तक चलेगा, 1 MB से कम होगा तो भी चलेगा, 1 MB से आपको ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं करने हैं। जो हमने प्रिंट निकाला था उसको हमको भरना है, भरने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो भरना कैसे, सिर्फ 1, 2, 3 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर ऊपर आपका नाम ऊपर आपका नाम लिखना है, नीचे आपके सिग्नेचर करना है, ऐसे ही आपको 3 बार करना है, ठीक है, 1, 2, 3। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, फाइल क्रॉपिंग कर लेना है। क्रॉपिंग करने के बाद साइज छोटा हो जाएगा तो MB भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसे आप अपलोड करिए। तो मैं अपलोड करूँगा, मैंने साइज वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, प्रिंट किए, सबसे पहले मैंने प्रिंट निकाला, उसके बाद मैंने वहाँ पर सिग्नेचर किए, सिग्नेचर करने के बाद मैंने मोबाइल में फ़ोटो खींचा मोबाइल कैमरे से, उसके बाद मैंने उसे क्रॉपिंग किया, क्रॉपिंग करने के बाद साइज कम किया, उसके बाद मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो टैप टू अपलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये डायरेक्ट उसी पेज में आपकी गैलरी में रिडायरेक्ट कर देगा आपको। तो यहाँ पर मैंने वो फॉर्म क्रॉपिंग करके रखा है, जो ऑटो डेबिट का जो फॉर्म है, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा और डन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर यदि आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपल नीचे आना है, नीचे आने के बाद मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आपको डन कर देना है। मैं डन कर दूंगा, डन करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हम कुछ सेकेंड वेट करेंगे, तो वेट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लगभग मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो ऑटो डेबिट का प्रोसेस है वो हमको यहां पर 20 से 25 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी हम यहां पर जब भी हमारा जो मंथली एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक से कटता जाएगा, ओके। तो सिंपल सा प्रोसेस था, तो यहाँ पर आप देखिए, ओके, तो यहाँ पर हमारा एसआईपी एक्टिवेटेड है, और यहाँ पर हमको ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से आप स्टॉक सूचित भी कर देगा कि आपका ऑटो डेबिट एक्टिवेट हो चुका है, और ऑटोमेटिक आपका जो भी आपने एमआई सेलेक्ट कर रखा वो ऑटोमेटिक आपके ब्रांच से कट जाएगा, ओके, ठीक है। और वीडियो में लास्ट में यही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और आपको बैंक चेंजेस करना है एसआईपी में तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, उसके लिए भी मैं रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट।